आप सभी का अभिवादन करती हूँ। मैं हूँ अरुणा त्यागी, आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम विधि का विधान। राशिफल में जानेंगे आज कैसा रहेगा आपका दिन, कब क्या करें और कब क्या ना करें, कब है शुभ मुहूर्त। पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज मंगलवार 29 अगस्त 2023 शुक्ल पक्ष शरद ऋतु और त्रयोदशी तिथि है। नक्षत्र आज श्रवण नक्षत्र है। सूर्योदय का समय 5:57 जबकि सूर्य अस्त का समय 6:46। चंद्रमा मकर राशि में। राहु काल दोपहर 3:34 से शाम 5:10 तक। दिशा शूल उत्तर दिशा। मेष राशि, आज आप परिवार के लोगों के साथ संबंधों को गहरा बनाने के लिए की गई कोशिश में सफल होंगे। मित्रों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें। जिन लोगों के साथ आपको भावनात्मक दूरियां महसूस हो रही हैं, वह दूर होंगी। एक दूसरे के विचारों को समझें और गलतियों को माफ करके आगे बढ़ें। वृषभ राशि, घर परिवार से ज्यादा काम में रुचि रहेगी, लेकिन परिवार पर भी ध्यान दें। निवेश से संबंधित निर्णयों में बदलाव करने की जरूरत है। अनुभवी लोगों के साथ चर्चा जरूर करें। नए लोगों के साथ जुड़ना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। काम से संबंधित नकारात्मकता जल्द ही दूर होगी और बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। मिथुन राशि, पैसों से जुड़ी बातों को गहराई से ना सोचें। आगे की योजना पर काम करने से पहले क्षमता को समझने की कोशिश करें। लोगों की आलोचनाओं की वजह से विश्वास कमजोर हो सकता है। परिवार के लोगों की सलाह पर विचार करें और काम में बदलाव करें। अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी ट्रेनिंग या उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रयत्न करते रहें और पार्टनर को समझने की भी कोशिश करें। कर्क राशि, अपने स्रोत और जानकारी के अनुसार परिस्थिति में बदलाव करें। अपने लक्ष्य पर काम करते रहें। काम की जगह मिले सम्मान की वजह से आपका विश्वास बड़ा रहेगा। पार्टनर के विचारों को समझना कठिन हो सकता है। लो बीपी और शुगर की तकलीफ हो सकती है। सिंह राशि, पैसों का इस्तेमाल संभल कर करें। करीबी व्यक्ति के साथ हुई चर्चा की वजह से बड़े निर्णय लेंगे। कामों को सुधारने के लिए प्रयत्न करें, जिससे भविष्य में सकारात्मकता बदलाव हो पाएंगे। अपनी मानसिक स्थिति सुधारने के लिए कोशिश करें। स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों को अपेक्षा से कम फायदा होगा, लेकिन आप सही मार्ग पर हैं, प्रयत्न जारी रखें। कन्या राशि, यात्रा संबंधी योजना की वजह से आपको खुशी मिलेगी। नए लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। जीवन में लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करते रहें। जो बातें तकलीफ दे रही हैं, वह आपके पक्ष में होंगी। व्यापारियों का योजना के अनुसार काम आगे बढ़ेगा। सर्दी जुखाम की तकलीफ हो सकती है। तुला राशि, जीवन में संतुलन बनाए रखें। जितना ध्यान आप परिवार के लोगों पर दे रहे हैं, उतना ही ध्यान अपने पर भी दें। दोनों जगहों की जिम्मेदारियों को निभाने से थकान हो सकती है। घर पर मेहमानों का आना जाना बना रहेगा, इस कारण परिवार में आनंद बना रहेगा। विद्यार्थी मन चाहे कार्य क्षेत्र का चुनाव कर पाएंगे। वृश्चिक राशि, अपने अहंकार और गुस्से पर काबू रखें। लक्ष्य की ओर ध्यान देने की कोशिश करें। व्यक्तिगत रिलेशनशिप पर ध्यान दें। अपने स्वभाव के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें। पार्टनर की नाराजगी को समझने की कोशिश करें। शरीर में खून की कमी होने से कमजोरी हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान दें। धनु राशि, पैसों से जुड़े लेन देन की वजह से कुछ गलतफहमी होने की संभावना होगी। अगर आप प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो दस्तावेज से जुड़ी बातों पर बारीकी से ध्यान देना होगा। परिवार के किसी व्यक्ति की बढ़ती नाराजगी आपके लिए चिंता बढ़ा सकती है। बेचैनी दूर करने के लिए किसी मित्र से मदद मिलेगी। पार्टनर और परिवार के बीच चल रहे विवाद की वजह से आपको बेचैनी हो सकती है। मकर राशि, आपके दिन की शुरुआत में अनेक कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन परिवार के लोगों की जिम्मेदारियों की वजह से आपकी योजना में बार बार बदलाव होंगे। जिन बातों में आप खुद को कमजोर समझते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दें। अभी करियर से जुड़ी बातों पर ध्यान देना आपके लिए जरूरी है। व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातों में बदलाव करें। व्यापारी वर्ग को कोई बड़ा लेन देन करते समय सतर्कता रखनी होगी। कुंभ राशि,
आप पूरे उत्साह के साथ लक्ष्य तय करेंगे, लेकिन काम करते समय दिक्कतें देखकर नकारात्मकता बढ़ सकती है। इस कारण बड़े लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो सकता है। काबिलियत होने के बाद भी सही प्रयत्न करने से आपको निराशा हो सकती है। स्वभाव को बदलकर सकारात्मक बने। व्यापारी वर्ग को परिचित व्यक्ति के साथ मिलकर नए काम करने की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। परिवार के लोग रिलेशनशिप का विरोध कर सकते हैं। मीन राशि। अपने व्यक्तिगत दायरों को ध्यान में रखते हुए लोगों के साथ बातचीत करते रहें, लापरवाही से बचना होगा। आपकी बातों की वजह से नए विवाद होने की संभावना हो सकती है। आज सभी से सोच समझकर ही बात करें। साथियों का एक दूसरे के लिए विश्वास कम होगा। फिलहाल काम के अलावा किसी अन्य बात की चर्चा ना करें। कठिन समय में क्षमता के अनुसार पार्टनर को सहयोग देते रहें। शरीर में जकड़न हो सकती है। योगा के जरिए राहत मिलेगी।